बारान, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं वॉक के लिए जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। बरान मेरे बेटे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा बेटा। जरा मुझे दीजिए। तुम परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है। मेरी कोशिश रही है कि अपनी जिंदगी में कोई गलती ना करूं अहमद चाचा। मैंने हर फैसला बहुत सोच समझ के किया है और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमेशा मेरी मदद की। लेकिन पहली बार, पहली मर्तबा तुमसे गलती हो गई दुश्मन की बेटी से शादी करके। एक मासूम को हवेली लाकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने, सबके साथ नाइंसाफी की, दादी के साथ, जिहान के साथ, बाबा के साथ। हालांकि मैं उस फैमिली को तकलीफ देना चाहता था, मगर अब खुद तकलीफ महसूस कर रहे हो। मुझे उस लड़की की हालत पर रहम आता है मैं चाचा। तुम अपने इस एहसास को मिटा नहीं सकते मेरे बच्चे। दादी और जिहान एक तरफ है और वो मासूम बेगुनाह लड़की दूसरी तरफ। पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं, पहली बार समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां जाऊं मैं। देखो बरान बेटा, तुम्हारी अम्मी और बाबा दोनों ही बहुत ही इंसाफ पसंद और सच्चे लोग थे। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने जालिम का नहीं बल्कि मजलूम का साथ दिया। हमेशा हर एक के साथ इंसाफ किया, किसी का हक नहीं मारा कभी, किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी उन्होंने, और तुम्हारी तरबियत भी ऐसे ही की। इंसान अपनी मीरास से दूर नहीं रह सकता, तुम बिल्कुल उन जैसे हो, जानता हूं मैं। एक हदीस शरीफ में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का दिल दुखाना काबे को तबाह करने से बदतर है। तुम कभी भी किसी का दिल ना तोड़ना बेटा, यही खासियत तुम्हें बरान बनाती है। यूनुस एमरे ने क्या खूब कहा है, जंग एक लफ्ज से शुरू होती है और अल्फाज से ही सर कलम होता है। इंसान के अल्फाज जहर भी हो सकते हैं या फिर शहद की तरह मीठे।
अल्फाज की अहमियत तभी होती है जब वो सही वक्त पर बोले जाएं। वक्त गुजर जाने के बाद उनकी कोई अहमियत नहीं रहती बेटा। जो टूट गया वो टूट गया।